हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। तो आज है 3 अगस्त और आज हमें बहुत ही अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनविटेशन आया है गाने के लिए, यू टैलेंट, जो कि मतलब परमजीत सिंह जी ने ऑर्गेनाइज़ कराया है। तो उनका मतलब ये है कि वो टैलेंटेड सिंगर्स को प्रमोट करते हैं अपने पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम वहीं जाने वाले हैं। तो आज हमें जाना है लक्ष्मी नगर, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। तो अभी मैं जाऊँगी रेडी हूँ, तो फिर मिलते हैं रेडी होने के बाद जब हम निकल रहे होंगे। और आज मैं स्कूल भी नहीं गई और मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बोला, बहुत सारे नहीं, दो को, हाँ, जो मेरी वजह से ही आते हैं स्कूल, मतलब हाँ हम दोनों एक साथ जाएंगे। तो उनको मैंने कहा कि भाई मैं आऊँगी, तू भी आना आना आना। और मैंने उनको और उनकी सुबह स्नैप आई थी स्कूल जाते हुए, अभी आके मुझे सुनाएंगे, छुट्टी का वक्त तो हो ही गया है। तो हाँ, अभी आके फिर वो मुझे बोलेंगे कि तू क्यों नहीं आई, तो वो बाद में देखेंगे। खैर, अभी मैं जाती हूँ रेडी होने, ताकि हम जल्दी से रेडी होके, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, उसके बाद हम जाएंगे। तो अभी जो है मैंने चेंज कर लिया है और मैंने अपना मेकअप भी कर लिया है, और अभी बारी है ज्वेलरी पहनने की, जो मैं अभी मतलब डिसाइड करूँगी क्या पहनूँगी मैं। आ जाओ भाई, आओ ज़रा। आज इसने ये पहना है। और अभी बस मैंने ही अभी रेडी हूँ, क्योंकि ये लोग टीवी देख रहे थे। क्या ए, अब सच्चाई बताऊँ तो not bad. मैं तो भूल दूंगी, सीक्रेट नहीं है। और मैंने पीछे से बुकशेल्फ भी हटा दिया, वो जो है मतलब थोड़ा वैसा सा लग रहा था, क्योंकि अभी ये प्यारा लग रहा है खाली खाली। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ इनमें से। मैंने ये वाली इयररिंग्स पहनी है, ये नीचे कलरफुल है, क्योंकि मतलब मेरे ड्रेस में भी नीचे कलरफुल सा है, तो मैंने ये वाली इयररिंग्स पहनी है। और तो ये है मेरा आउटफिट आज का, और मैं ये बहुत टाइम बाद पहन रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन कोई नहीं, सही लग रहा है। और अब मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से तैयार, और अब मिलते हैं कार में। इसको यही नहीं समझ आ रहा, बताओ। तुम सॉक्स पहन के घर के बाहर चल रही हो। नंगे पाँव आ जाती हूँ। नहीं, ये सब नहीं। हाँ तो तुमको पहनने नहीं आता, बताओ, 9 साल की हो गई हो, शर्म भी नहीं आती थोड़ी सी। नहीं, तो मैं नहीं आता, मुझे अभी भी नहीं आते। तुमको कहीं और का लेस बांधने नहीं आता, क्या बोला तूने? नहीं तो हम निकल रहे हैं, अब लाइट आ रही है तो मैं सुंदर लग रही हूँ। हाँ, अख्तर अंकल का भी रहा है। हाँ जी, ठीक है। आयशा का है, काउंट कर आयशा, कितनी गाड़ी है, कैसे काउंट कर रही थी तुम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पीछे का जा रही हो, आगे का काउंट करना है सिर्फ 15, आगे का करना था सिर्फ 8, 9, 10, 1,000 रुपए लेके एक गाना। कितनी बार नोट फोन किया, चोट लगेगी पहले। 24 सितंबर को बड़ा प्रोग्राम,
दस मिनट से यहाँ पे फंसे हुए हैं, मतलब फंसे नहीं हुए हैं, गाड़ी की गैस खत्म हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों रुकूं, बोलो मेरी गलती है। हाँ तो हम पिछले 10 मिनट से इधर ही हैं और 3:30 बजे तक हमें पहुँचना था, 3:30 अभी ही हो चुके हैं, 3:30 अभी हो चुके हैं और क्या, हमें 3:30 बजे पहुँचने का टाइम था। कुछ नहीं है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, तीसरा पहर चल रहा है क्योंकि 3 से 4 के बीच में है, तो ये दोपहर नहीं है, तीसरा प्रहर चल रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? A few moments later. हम अपने लोकेशन पे पहुंच गए हैं, बहुत टाइम लगा क्योंकि लोकेशन गलत बता रही थी अंकल को और मुझे अलग बता रही थी, फिर हमें बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा और घूमते घूमते फिर हम फाइनली पहुंचे। पानी कहाँ से आ रहा है? ओ एसी। और यहाँ का बड़े प्यारे प्यारे पेड़ हैं, हटना ज़रा, तुम भी पेड़ हो, ये वाला पेड़ तो अलग ही सुंदर लग रहा है। किसका पेड़? पीतल का पेड़। पीतल नहीं, पीपल नहीं, पीपल का पेड़। हम पहुंच गए हैं फाइनली, खोलो। हेलो दोस्तों, और अब हम पहुंच चुके हैं और अभी मेरी ही बारी थी, लेकिन ना मतलब स्केल में ना थोड़ा जर्नीगार को दिक्कत हो रही थी तो मैं उसकी हेल्प करने बाहर आई, तो अभी कोई दूसरी परफॉर्मेंस हो रही है, उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस होगी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यो यो, हाँ अभी गाने की आवाज़ आ रही होगी और क्या बोलूँ मैं, बस अभी मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊँगी, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस के बाद मिलेंगे। हाँ और सबसे बड़ी बात जो राग है ना, राग अजीब है, आई लव यू, आई लव यू, ये राग मेरा बहुत फेवरेट राग है, चारों में से राग अजीब है, वो सब मेरे बड़े बहुत ही कमाल के इंसान है, कमाल के मतलब की लग रहा है और कैसे आने वाले पूछ सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू साहिब भाई, थैंक यू नसीब भाई, दुआ करेंगे कि आप कैसा गाया? मैंने बढ़िया गाया, मस्त गाया, मारने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी, अच्छा गाया। परफॉर्मेंस हो गई है, बहुत बढ़िया हुई, लेकिन ना वो अंकल है रिकॉर्ड नहीं करने दिया, तो मतलब मेरे पास है नहीं वो, ठीक है, वो अंकल ने अपने मतलब उधर ही रिकॉर्ड हुआ है, तो वो बाद में ही मतलब हम सुनेंगे उसको और बाद में हमारे पास आएगा, फिर मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगी, तब आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैंने सोचा था ब्लॉग पहले आ जाएगा बट ब्लॉग बाद में आएगा, नहीं सॉरी ब्लॉग पहले आएगा गाना बाद में आएगा। हाँ तो कल परसों में मैं गाना भी अपलोड कर दूंगी, मैंने बागबान गाया था, ये होप आप सभी को पसंद आएगा, ठीक है। और अभी जर्नीगार आती है, फिर जर्नीगार अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएगी आपको। जर्नीगार फ्री हो चुकी है नेचर्स कॉल से, अब भाई आराम से आराम से मारते हैं, ऐसे नहीं, हाँ बताओ, हाँ ऐसे।
दिक्कत हो जाती है इसको, बहुत ही सैड सॉन्ग सैड सॉन्ग ऐसे हाँ, और सब इसको फिर यही बोलते हैं कि तू मतलब एक्ट मतलब स्माइल नहीं करती सैड सॉन्ग में, मतलब यही जो भी है मिला जुला के यही बात है। और मुझे मतलब मैं उस टाइप के सॉन्ग्स लेती नहीं हूँ क्योंकि मुझे मतलब उतना पसंद नहीं है, मतलब मैं अपने रेंज के गाने बढ़िया गाने थोड़े मतलब उस टाइप के वही हाँ एहसास करें, मुझे हमेशा चुलबुले सॉन्ग्स मिलते हैं। खैर तो अभी हम दोनों की परफॉर्मेंस हो चुकी है, अब हम जाके बाकी लोगों के गाने सुनेंगे अंदर, उसके बाद फिर एहसास की परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद हम फिर आके बाहर आपको बताएंगे कि हम कि मतलब एहसास की परफॉर्मेंस कैसी है। चलिए तो अंदर चलते हैं। जितने भी खबर हजरात यहाँ तशरीफ फरमाए तो क्या खिलाए सबकी बैंड बजाने वाले तीनों बहने, एक बार जोरदार ताली एहसास के लिए। थैंक यू बेटा, एक बड़ा सब लोग आ जाओ और आपका एक थोड़ा सा ये सम्मान है यू टैलेंट की तरफ से आप सबके लिए, आप भी आइए, असली हकदार तो आप हैं, क्योंकि एक बार जोरदार ताली हो जाए। तीनों बहनें माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त गाती हैं, बहुत जबरदस्त गाती हैं, बहुत खूबसूरत तीनों पंजाबी टून के बड़े अच्छे सॉन्ग अभी दोनों ने गाए, वैसे भी बहुत अच्छा। एक बार जोरदार ताली प्लीज जी, आप भी मेरा जरनिगार की फरमाइशें स्टार्ट हो गई। ऐमे ही बस घूमने आ गए हैं, एक आध कुछ लेंगे कुछ भी खाने पीने का, और मेरा कॉन्फिडेंस अभी इतना नहीं आया कि मैं लोगों के सामने बोलूं, काफ़ी लोग हैं फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ बोलने का, और ये मेरा पहला ब्लॉग वैसा होगा जिसमें मैंने इतना सारा बोला है, इतना सारा भर भर के, बस हो गया। तो हमने शॉपिंग कर ली है, मतलब चॉकलेट्स बिस्किट और मिल्क शेक ही सब खरीदा है थोड़ा बहुत, मैंने तो सोचा था एक आध चीज़ खरीदेंगे थोड़ी ज़्यादा, और मैं रोड पे खड़ी होकर व्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मतलब मुझे बस कुछ नहीं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसा ही हो जाए थोड़ा, तो बस यही बात है। और अभी हम निकलेंगे घर की तरफ, अंकल कार में वेट कर रहे हैं, मम्मी बिलिंग करवा रही हैं, अभी हम पहले ही बाहर आ गए हैं ताकि हम कुछ रिकॉर्ड कर सकें। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं ये कुछ नहीं, अरे तुमने वो नहीं दिखाया वो जो हमें मिला मम्मी के पास, अभी हम मैं दिखाऊंगी। निगार एक्नॉलेजमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, बाकी का बाकी आधा आधा करके पढ़ेंगे। ये है आपकी पहचान ब्ला 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 ब्ला, आप पढ़ खुद ही पढ़ लीजिए, एहसास है प्यारी सी और अब आई मैं। भाई कितनी कुछ ज़्यादा ही यार, कोई बोले नहीं दे रहा, कुछ ज़्यादा ही प्यारी फ़ोटो। और ये हूँ मैं, ये है परमजीत अंकल। से बचता है पॉपी अंकल बाहर गए हैं मटका गुल्लक लेने, ये बस हो गया सब पता नहीं क्या ही कर रहे हैं हम लोग।
है वो ऑफ करो, इससे नहीं सही हो रहा। ये देखो मेरा गुल्लक, ये अंकल ने अपने लिए लिया है भाई। कितना सही वीडियो आ रहा है इसमें। नहीं हम इधर कभी नहीं आए हैं। और ये हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और मिलते हैं नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और इसको लाइक कमेंट शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।